ना कार्ट में कितने आइटम्स हमने ऐड किए हैं उसका जो नंबर है वो हमको यहाँ पर दिखाना है कार्ट में, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एक और ऐड किया, अभी एक है, दूसरा ऐड किया, दो हो गए। तो यहाँ पर कार्ट के बाजू में हमको यहाँ पर टू शो करना है। तो इसके लिए हम नेव बार पे जाएंगे। नेव बार पे बहुत सिंपल सा लॉजिक है, कुछ नहीं करना है आपको। हमको यहाँ पर नेव बार में उसका नंबर दिखाना, तो मैं इसको दिखाऊंगा एक बेज में जिसको हम इन्फो बेज से क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्रिएट किया, नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देता हूँ मैं इसको। देन यहाँ पर हमने कहा बेज क्रिएट करेंगे, ओके, डिफ़ॉल्ट बेज क्रिएट करेंगे यहाँ पर, और जो प्राइमरी तो उसको मैं इन्फो क्रिएट करूँगा, ठीक है। ये स्पैन क्रिएट हुआ, इसकी हमको ज़रूरत है क्या, ठीक है। नाउ यहाँ पर जो भी नंबर हम शो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने 12 लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हल्के से ब्लू कलर में आपको यहाँ पर दिखता है, ओके। तो यहाँ पर मैं कार्ट का काउंट दिखाऊंगा, तो कार्ट का काउंट मुझे कहाँ से मिलेगा, कार्ट कहाँ पे सेव है, सेशन में। तो सेशन मुझे यहाँ पर मिल सकता है, रिक्वेस्ट यहाँ पर मुझे एक्सेस होती है, तो मैं रिक्वेस्ट की हेल्प से निकाल सकता हूँ। रिक्वेस्ट डॉट, जैसे कि जब भी हम टेम्पलेट को रेंडर करते हैं तो उस टेम्पलेट को एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, तो वो रिक्वेस्ट हम यहाँ पे एक्सेस करते हैं रिक्वेस्ट नाम से। तो हमने कहा रिक्वेस्ट डॉट, हमने यहाँ पर कहा सेशन डॉट, कार्ट आ गया मेरे पास। नाउ यहाँ पर आप कोई भी मेथड वगैरह जब कॉल करते हो तो डायरेक्ट हम उसकी मेथड का नाम लिख देते हैं, जैसे कार्ट है। डिक्शनरी में हम ऐसा नहीं कर सकते कभी सेशन डॉट कार्ट, लेकिन टेम्पलेट में हम ऐसा कर सकते हैं, ये टेम्पलेट की लैंग्वेज है। सेशन डॉट कार्ट, अब कार्ट के अंदर मेथड है कीज़ करके, मतलब डिक्शनरी में, तो मैं उसको डायरेक्ट यहाँ पर कीज़ लिखूंगा, तो उससे मेरे को सारी जो कीज़ हैं वो मिल जाएंगी। तो कितनी कीज़ होंगी, जितने आइटम्स होंगे। तो अभी इसमें कितनी कीज़ है, टू एंड थ्री, मतलब कि दो आइटम में टू एंड थ्री आया ना। एक और पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर एक और ऐड हो जाएगा, तो ऐड हो गया। यहाँ पे हमको इसका लेंथ प्रिंट करना, तो यहाँ पर एक फ़िल्टर यूज़ करेंगे हम लेंथ। तो हमारे पास लेंथ फ़िल्टर जो कि किसी भी लिस्ट का लेंथ यहाँ पर कैलकुलेट करता है, ओके। तो यहाँ पर लेंथ फ़िल्टर यूज़ किया, तो इससे मुझे इसका लेंथ मिल जाएगा, परफेक्ट है। यहाँ पर अब थ्री दिख रहा है, तो अगर मैं इस पर माइनस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा टू टू हो गया, अगेन माइनस कर देते हैं तो अब हो गया यहाँ पर टू, परफेक्ट। नाउ इसको भी माइनस कर देते हैं तो देखेंगे क्या आता है, तो अब यहाँ पर आ रहा है जीरो, ठीक है। तो परफेक्टली वर्क कर रहा है, कार्ड का जो काउंट है वो भी यहाँ पर शो होने लगा है, ओके। सो नाउ अब हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि हमने अभी लॉग आउट किया, ठीक है, तो लॉग आउट हो गया एप्लीकेशन। लेकिन अब अगर मैं जाना चाहता हूँ किसी पेज पे, ऑर्डर्स पेज, ऑर्डर्स पेज पे मैं गया तो ऑर्डर्स मेरे को शो नहीं हो रहा है, लेकिन ऑर्डर्स पेज भी शो नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं लॉगिन नहीं हूँ। तो मुझे यहाँ पे आना चाहिए कि भाई पहले आप लॉगिन करो, उसके बाद आपको ऑर्डर पेज मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे अचीव करेंगे वो देखेंगे। इसके लिए कॉन्सेप्ट यूज़ होगा यहाँ पे मिडलवेयर। मिडलवेयर क्या होते हैं देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।